भारत बनाम श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला जा रहा है। आपको बता दें, इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले में भारतीय टीम में दो बदलाव देखे गए, जहां सूर्य कुमार यादव और वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 में जगह दी गई। लेकिन इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का एक बेहद चौंकाने वाला फैसला देखने को मिला। इस मुकाबले में एक बार फिर से भारत के लिए दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी को टीम में जगह ही नहीं मिली। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की। ईशान किशन ने बांग्लादेश के विरुद्ध 10 दिसंबर शनिवार के दिन खेले गए मुकाबले में 210 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी। ईशान किशन ने वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर अपने नाम बड़े बड़े कीर्तिमान किए थे। लेकिन शायद टीम इंडिया को अपने दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज की कदर ही नहीं है, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में बल्लेबाज को एक भी मौका नहीं मिला। ऐसा लग रहा है कि अब इंडिया की टीम में दूसरे करुण नायर पैदा हो गए हैं। करुण नायर तो आप सभी को याद ही होंगे, जिन्होंने वर्ष 2016 में इंग्लैंड के विरुद्ध 13 शतक लगाया था, लेकिन उसके बाद उन्हें टीम में जगह ही नहीं मिली। अब ईशान किशन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। बल्लेबाज ने दोहरा शतक लगाया, जिसकी वजह से शिखर धवन को टीम से बाहर कर दिया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, ईशान किशन को 3 मैचों की वनडे सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका ही नहीं मिला। अभी देखना दिलचस्प रहेगा कि वनडे टीम में ईशान किशन की वापसी कब होती है, क्योंकि दोहरे शतक तो रोज़ नहीं लगाए जाते हैं। ईशान किशन लगातार टीम इंडिया के लिए वनडे में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज को मौका नहीं मिल रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।